नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी महीने में होने जा रही है, इसको लेकर आज एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आप एडमिट कार्ड किस तरह से और कहां से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि रूटीन क्या है एग्जाम का। बिहार बोर्ड ने आज फरवरी महीने में होने वाली इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि की घोषणा कर दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 इंटर वार्षिक परीक्षा के एडमिट कार्ड आज यानी कि 16 जनवरी को जारी करेगी। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि आधिकारिक वेबसाइट जो इस प्रकार है seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर आप एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं और 31 जनवरी तक ये आपको इस साइट पर उपलब्ध मिलेंगे। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। सभी एडमिट कार्ड को शिक्षण संस्थानों के प्रमुख अपने यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद हस्ताक्षर और मुहर के बाद ही एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के दौरान 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की माने तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में 2020 तुलना में 1,45,663 परीक्षार्थी बढ़े हैं। इस बार इंटर बोर्ड परीक्षा में 13,50,507 परीक्षार्थी शामिल होंगे। विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों ही सेक्शंस में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। सबसे ज्यादा कला संकाय में परीक्षार्थी शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार से है। 2 फरवरी को पहले शिफ्ट में भौतिकी यानी कि फिजिक्स की परीक्षा होगी। दूसरे शिफ्ट में राजनीति शास्त्र और हिंदी की परीक्षा होगी। 3 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली की अगर बात कर ले तो भूगोल जो कि कला के अंदर आता है उसकी परीक्षा होगी और अंग्रेजी वोकेशनल की परीक्षा होगी। 4 फरवरी को पहले शिफ्ट में रसायन शास्त्र की परीक्षा होगी और दूसरे शिफ्ट में अंग्रेजी की परीक्षा होगी जो कि आर्ट्स सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। 5 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा विज्ञान और वाणिज्य सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए होगी। वहीं द्वितीय पाली में इतिहास ट्रेड पेपर 1 वोकेशनल की परीक्षा होगी। 6 फरवरी को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी और द्वितीय पाली में हिंदी की परीक्षा होगी आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। 8 फरवरी को विज्ञान और वाणिज्य यानी कि साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई है और इसी शिफ्ट में अर्थशास्त्र की भी परीक्षा होगी कला के छात्रों के लिए। ट्रेड पेपर 2 की परीक्षा दूसरे पाली में ली जाएगी। 9 फरवरी को विज्ञान के छात्रों के लिए कृषि की परीक्षा और वाणिज्य के छात्रों के लिए बीएसटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी दूसरी पाली में। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मनोविज्ञान की परीक्षा के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भी परीक्षा होगी। 10 फरवरी को विज्ञान, कला और वाणिज्य के छात्रों के लिए भाषा की परीक्षा रखी गई है दूसरी पाली में। दर्शन शास्त्र की परीक्षा कला के छात्रों के लिए और वाणिज्य के छात्रों के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा। 11 फरवरी को एनआरबी की परीक्षा होगी विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों सेक्शंस के लिए और दूसरी पाली में फाउंडेशन कोर्सेज की परीक्षा ली जाएगी जो कि वोकेशनल होंगे। 12 फरवरी को एमबी की परीक्षा होगी विज्ञान, कला और वाणिज्य के लिए। दूसरी पाली में समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। 13 फरवरी को कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया की परीक्षा विज्ञान, कला, वाणिज्य तीनों ही सेक्शंस के लिए होगी जबकि दूसरी पाली में गृह विज्ञान और काउंटेंसी की परीक्षा होगी वाणिज्य के छात्रों के लिए। तो आज से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जो भी संस्थान के प्रमुख हैं वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर हस्ताक्षर के बाद आपको एडमिट कार्ड आपके हाथों में सौंपने वाले हैं और फरवरी महीने से परीक्षा शुरू होगी जिसका रूटीन भी हमने आपको बता दिया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।